हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रिया फिर से आ गई हूँ एक नया सा रिव्यू वीडियो लेकर। आज मैं रिव्यू शेयर करूँगी बायोटिक का न्यू प्यूरिफाइंग फेस वॉश के ऊपर। बायोटिक का बहुत सारा फेस वॉश है, पर न्यू फेस वॉश मैंने यूज़ किया है और मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये सब कुछ मैं शेयर करूँगी इस रिव्यू के अंदर। और मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, बायोटिक का जो प्रोडक्ट है वो 100% नेचुरल होता है, 100% नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स इसमें रहता है और वे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, यहाँ पर लिखा ही है, ठीक है। तो इसमें यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बायोटिक का प्रोडक्ट हम लोग कोई भी लोकल शॉप में या ऑनलाइन में हर जगह अवेलेबल होता है, तो कहीं से भी हम लोग खरीद सकते हैं। चलिए, बायोटिक का मैं छोटा सा आप लोगों के साथ पर्सनली शेयर करती हूँ, क्योंकि बायोटिक का मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ किया है, मुझे पता है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। बायोटिक का बहुत सारा फेस वॉश है, पर नीम फेस वॉश क्यों? बायोटिक का जो बहुत सारा फेस वॉश है, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मेरे मुंह में बहुत सारा पिंपल हो गया था, बहुत सारा नहीं, 2-3 पिंपल हो गया था। तो पिंपल होने से हम लोगों को तो पता ही है कितना ये लगता है, और जो फेस वॉश मैंने यूज़ कर रही थी वो फेस वॉश मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हर दुकान बंद था, तो कहीं से भी मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने बायोटिक का फेस वॉश मैंने ऑनलाइन से मंगवाया। ऑनलाइन से मंगवाने के बाद मैंने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद 7 दिन के बाद मुझे क्या रिज़ल्ट मिला मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। बायोटिक का ये प्यूरिफाइंग फेनिंग फेस वॉश है, ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, पर मैं सजेस्ट करूँगी जिसका ऑयली स्किन है या जिसमें जिसके मुंह में बहुत सारा पिंपल हो जाता है, सेंसिटिव स्किन है, जैसे बोल सकते हैं आप लोग इचिंग होता है, तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने से हिचकते हैं कि मेरे फेस में सूट करेगा या नहीं करेगा। बट मैं बताऊँगी कि बायोटिक का जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो आप लोग एक बार यूज़ कर देख सकते हैं, और ये 100% नेचुरल है तो मैंने बताई है। और यहाँ पर जो लिखा है 100% सोप फ्री है, मतलब सोप जो है हमारे स्किन के लिए कितना हानिकारक होता है तो हम लोग जानते हैं, बट ये 100% सोप फ्री है और ये जेल फॉर्म में आता है, और जैसे हम लोग यूज़ करते हैं फेस वॉश नॉर्मली, ऐसे एवरीडे यूज़ करना है। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है नीम है, नीम जो है नीम हम लोगों को पता ही है, मतलब जो कोई भी अगर फंगल इन्फेक्शन रहता है बा इचिंगनेस होता है तो उसे रिमूव करने के लिए नीम बहुत अच्छा काम करता है। रीठा फूड है, रीठा फूड जो है जो यहाँ पर लिखा है 100% सोप फ्री है, तो सोप से तो हम लोगों को झाग मिलता है, पर रीठा से जो है एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो हम लोगों को फेस को भी क्लीन कर देता है और झाग भी नहीं है, थोड़ा बहुत झाग आता है, तो रीठा से ही होगा। कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल हम लोग तो पता ही है कि स्किन के लिए कितना अच्छा है, स्किन को नरिशिंग करता है, मॉइस्चराइजिंग करता है, और प्यूरिफाइड वाटर है। और यह पर जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है 150 ml का क्वांटिटी है, नेट क्वांटिटी, और इसका प्राइस है 135 rupees, जो हम लोग अगर लोकल शॉप से अगर ख़रीदते हैं या ऑनलाइन भी ख़रीदते हैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, तो सबके बजट में आ जाता है, तो सब कोई ख़रीद सकते हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा है 150 ml का, और प्राइस भी बहुत ही कम है। तो यही है, और मैं बताऊंगी मेरी ओपिनियन, अगर मैं यूज़ किया 7 दिन के बाद मैं आपको बता रही हूँ, पिंपल पूरा रिमूव हो जाता है, ठीक है, कोई भी दाग कोई भी कुछ भी नहीं रहता, अच्छे से स्किन को क्लीन करता है, एक मॉइस्चर कर देता है कि ड्राई नहीं हो जाता है, बहुत सारे फेस वॉश यूज़ करने से ड्राई हो जाता है स्किन, पर ड्राई नहीं करता है, बहुत ही अच्छा लगा। और पिंपल अगर किसी का है तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मैंने यूज़ किया और बहुत मैजिक की तरह काम करता है, रिमूव हो जाता है। अगर आप लोग रेगुलर यूज़ करते जाएंगे तो आई होप, अगर ज़्यादा पिंपल रहता है तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा रिमूव करने में, बट रिमूव होता है, और अच्छा फेस वॉश है, ये आयुर्वेदिक है जो हम लोग आसानी से कर सकते हैं यूज स्किन के ऊपर। और देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एलोवेरा जेल में जो जेल की तरह दिखता है, ग्रीन कलर का है फेस वॉश,
चलिए मैं ये ट्यूब फॉर्म में आता है तो हम लोग अगर कहीं भी ट्रैवल भी करते हैं तो वो आसानी से कैरी कर सकते हैं, किसी भी तरह से लीक होने की चांसेस नहीं है। तो चलिए मैं इसे कंसिस्टेंसी कैसा है मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैं हाथ के ऊपर ही अप्लाई करके दिखाती हूँ, आप लोग फेस में जब यूज़ कीजिएगा। देखिए ऐसा है, जेल फॉर्म में है, जैसे एलोवेरा जेल है उसी तरह से ही है। और ऐसे आपको फेस के ऊपर देखिए तो उतना झाग नहीं आ रहा है, जो फेस वॉश अप्लाई करने से झाग आता है उतना झाग नहीं होगा। और इसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा है, देखिए। नॉर्मल वाटर से जैसे फेस वॉश आप यूज़ करते हैं वैसे यूज कीजिएगा तो क्लीन हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा रिव्यू, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आज के लिए यही तक, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।